sisters and brothers of America. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. ये विचारों का जादू था, जिसकी गूंज अमेरिका के शिकागो समेत पूरी दुनिया में सुनाई दी, और हॉल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा। भारत से आए एक सन्यासी के चंद शब्दों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके संकल्पों ने हर किसी को एक सूत्र में बांध दिया। विश्व भर से आए विद्वान हैरान थे कि ये शख्स है कौन, और दुनिया भारतीय ज्ञान के कदमों में सिर झुका रही थी। भारत के वो ज्ञानी, वो मनीषी, वो विद्वान, वो आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा से शिकागो का सफर शुरू किया। आज न्यूज नेशन आपको हिमालय के उसी हिस्से में ले चलेगा जहां कभी स्वामी विवेकानंद के कदम पड़े थे। एक वर्ग ऐसा भी है जो स्वामी विवेकानंद को हिंदुत्व और भगवा के चश्मे से देखता है, लेकिन उनके विचारों की दुनिया में हर मजहब, हर इंसान के लिए जगह थी, और यही वजह है कि उनके विचारों को दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने सराहा। कहा जाता है कि दुनिया हिंदुत्व के सार और सनातन आध्यात्म की ताकत से महरूम रह जाती। अगर शिकागो सम्मेलन से चंद महीने पहले एक स्थानीय मुस्लिम ने जीवनदान न दिया होता। स्वामी विवेकानंद का हिमालय से दिल का रिश्ता रहा। अल्मोड़ा की फिजाओं में आध्यात्म की वो शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद को बार बार खींच कर इन वादियों तक लाई। लेकिन शायद उन्हें यह एहसास भी ना हुआ होगा कि इन्हीं वादियों में एक दिन उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन के चंद महीने पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की इन्हीं वादियों से होकर कालीमठ शहर से अल्मोड़ा जा रहे थे। अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई उनका इंतजार कर रहे थे। गर्मी और प्यास से उनका बुरा हाल था, और इस जगह पर आते आते स्वामी जी बेसुध होकर गिर पड़े। मैं इस वक्त जिस रास्ते में खड़ा हूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से स्वामी विवेकानंद यानी काठगोदाम से पैदल वो अल्मोड़ा के लिए उन्होंने रुख किया था। आज अगर हम यहाँ से काठगोदाम को किलोमीटर में तय करने की बात करें तो तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ से काठगोदाम का रास्ता। और उस दौरान आज तो ये रास्ता बना हुआ है, ये साफ सुथरा रास्ता है, उस समय बड़ी पतली पतली मेड़े हुआ करती थी। उस रास्ते से चलकर काठगोदाम से इसी रास्ते से होते हुए स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की ओर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान वो इतने थक चुके थे, थक कर चकनाचूर हो चुके थे। और बताया जाता है यही वो स्थान है, ये जहां पर ये आप देख रहे हैं, मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जिस स्थान पर मैं इस वक्त जा रहा हूं। ये पत्थर अगर आप देख रहे हैं, हमें जो बताया गया है इस यहां पर आके, क्योंकि ये रास्ता अब बना हुआ है, पतला सा रास्ता था, यहां पर आके उन्हें मूर्छा आ गई थी, यानी वो बेहोश हो गए थे क्योंकि काफी थक चुके थे। बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था, अल्मोड़ा से उन्होंने का विशेष लगाव था। 1890 की ये घटना है, और यहां पर आकर उन्हें मूर्छा हो गई। मूर्छा होने के बाद उनको, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये मिट्टी नुमा जो मकान है इस समय जो खंडर में तब्दील हो चुका है, इस मिट्टी नुमा मकान में तब एक शख्स रहते थे, एक मुस्लिम भाई रहते थे। उनकी नजर यहां पर मूर्छित नरेंद्र पे पड़ी और वो भागते हुए वहां पर से आए। जब उन्होंने नरेंद्र को उठाने की कोशिश की, नरेंद्र ने किसी तरह से जवाब नहीं दिया। वो फिर वापस गए, वहां से पानी और ककड़ी, ककड़ी जैसे कि हम अपनी भाषा में खीरा कहते हैं, यहां उसे यहां की भाषा में ककड़ी कहते हैं, पानी और खीरा लेकर आए, और उन्होंने यहां पर उन्हें पानी पिलाया, खीरा खिलाया। कहते हैं कि ये वही मुस्लिम परिवार है जिसने स्वामी विवेकानंद की जान बचाई, उनके प्राणों की रक्षा की। मैं सन्यासी हूं
और सन्यासी की कोई जात नहीं होती। अच्छा, मुझे ये भी मालूम चला कि जब पानी पिलाने की बारी आई तो आपके जो दादाजी थे वो थोड़ा सा सोचने लगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं इनको कैसे, साधु जो हैं उनको कैसे पानी पिला दूं, ये बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी। क्या हुआ था? तो स्वामी जी बोले कर लगे, हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं आपको पानी पिला सकता हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ, अगर मेरे हाथ का पानी पिए तो मैं अभी पानी लेके आता हूँ। कर लगे नहीं, आप लाइए, मेरे लिए सब बराबर है। स्वामी जी के जीवन की रक्षा करने वाले इस परिवार की बस एक ही आरजू है कि जिस चट्टान पर स्वामी जी बेहोश हुए वहाँ के इतिहास की जानकारी यहाँ आने वाले सैलानियों को भी हो। तो आपको लगता है कि इस जगह का, जहाँ पर इस जगह को कुछ यादगार के तौर पर बनाया जाना चाहिए, इस जगह को जहाँ पर स्वामी विवेकानंद मूर्छा में हुए थे, मूर्छा से वो जागृत हुए थे, इस जगह को लोगों को मालूम चलना चाहिए, दुनिया को मालूम चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके चार दीवारी ऐसे करके बनाई जाए, उसमें एक स्लिप लगाई जाए कि 1890 में जब स्वामी जी आए थे तो यहाँ बेहोश हो गए थे, क्योंकि बहुत से आदमी लोग जो गेस्ट लोग आते हैं उनको पता नहीं चलता। एक स्लिप लगी होगी, बना हुआ होगा तो लोग आके देखेंगे कि हाँ ये स्थान है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी महान धरा है कि तब नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद यहाँ पर मूर्छित हो गए थे, काठगोदाम से आ रहे थे अल्मोड़ा के लिए, यहाँ पर उन्हें जल पिलाया गया, मूर्छा से जागे, लेकिन आज भी ये स्थान वैसे का वैसा ही है, बस यहाँ पर एक पक्की सड़क बन गई। ये पक्की सड़क बन के पहले तो बहुत कच्चा था, जंगल था चारों तरफ, पेड़ थे, यहाँ भी पेड़ थे, पत्थर के पास काफी पेड़ थे। और ये कहा जाता है उसके बाद उन्होंने उस पहाड़ का रुख किया था। हाँ, यहाँ से फिर स्वामी जी वहाँ भी गए दूसरे दिन, ये शाही देवी जी, अगर मैं दिखाऊं वो बिल्कुल उस पहाड़ के कोने में है, शाही देवी मंदिर है वहाँ टॉप में, बिल्कुल टॉप में शाही देवी मंदिर में वो स्वामी बना रखा वहाँ जी। वो तो वहाँ स्वामी जी गए थे तो एक रात यहाँ गुफा में भी रहे स्वामी जी। कोई ऐसी छोटी मोटी गुफा होगी जिसमें रह सकते हैं ताकि कोई जानवर से ना सके। तो उस दौरान स्वामी विवेकानंद उस गुफा में गए, जब ठीक होने के बाद उस गुफा में गए, वहां उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के बाद वो वापस लौट गए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया 1890 के बाद ही उन्होंने शिकागो का रुख किया था। अपने मददगार से विदा लेकर स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा के लिए चल दिए और न्यूज नेशन भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ चला, उत्तराखंड की उन वादियों में जिसकी आबो हवा में एक संत ने ध्यान लगाया। जहां की शांति और सुकून में सच की तलाश की और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। कहते हैं कि अल्मोड़ा पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही कसार देवी मंदिर में स्वामी जी ध्यान लगाकर बैठ गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं कसार देवी में और स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा से एक विशेष लगाव रहा है। अगर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूं, आप ये देखिए पूरा हिमालय की पर्वत में पूरा अल्मोड़ा बसा हुआ है। स्वामी विवेकानंद 1890 में यहां पर आए थे और माना जाता है इसी जगह पर रहकर उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया था और कहा यह जाता है उस ध्यान के बाद ही उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का बोध हुआ था और उनका विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है। यहां कई जगह पर उन्होंने जाकर ध्यान लगाया है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है 1890 का अगस्त सितंबर का महीना, जब स्वामी विवेकानंद नैनीताल से पैदल यात्रा कर यहां पर आए थे। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर यह कसार देवी मंदिर है। इस कसार देवी आज ये मंदिर के तौर पर दिखाई दे रहा है लेकिन तब ये सिर्फ एक गुफा के तौर पे था, तब यहाँ पर मंदिर नहीं था, हम 1890 की बात कर रहे हैं। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद इस मंदिर में ध्यान लगाकर बैठ गए तो उनके करीबियों को चिंता होने लगी। लोग सोचने लगे कि अगर नरेंद्र इसी तरह ध्यान में बैठे रहे तो उस कार्य का क्या होगा जिसे पूरा करने के लिए उनका जन्म हुआ है। कहते हैं कि अचानक नरेंद्र को एक आवाज सुनाई दी, तुम नरूपी नारायण हो, सप्त ऋषियों में एक ऋषि, सबका कल्याण करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। 1890 में यहाँ पर एक गुफा थी, नैनीताल से माना गया कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर 3 दिन तक ध्यान किया था।
उस ध्यान के बाद जब उनके गुरु लोगों को चिंता होने लगी कि अगर स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठ जाएंगे तो देश के लिए जो कार्य उन्हें करना है, देश में परिवर्तन जो उन्हें लाना है, जो लोगों के दुखों का निवारण उन्हें करना है, वो कौन करेगा। उसके बाद कहा जाता है कि वहां यहां से किसी शक्ति ने उन्हें आत्मसात किया, किसी शक्ति ने उन्हें प्रेरणा दी कि उठ नरेंद्र, उठ नरेंद्र, उठ नरेंद्र। और उसके बाद चौथे दिन स्वामी विवेकानंद यहां से निकल गए। पाताल देवी यहां अल्मोड़ा के बागेश्वर जाने वाले रास्ते में पड़ती है। उस पाताल देवी में उनके जो अनुजन थे, उनके जो शिष्य थे, वो वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं उस पौराणिक, उस महान स्थल पर जहां पर स्वामी विवेकानंद ने जहां पर आकर तपस्या की थी, जहां पर आके स्वामी विवेकानंद को आत्मज्ञान का बोध हुआ था। अब हम उस जगह पर प्रवेश कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ पहले ये गुफा थी, आज मां कात्यायनी देवी जिसको कसार देवी यहां पर कहा जाता है, उनका यहां पर यहां पौराणिक मंदिर है जो बड़े आशा और विश्वास का केंद्र होता है। यहां पर मेरे साथ पंडित जी, दरअसल मैं आपको बताऊं, यही वो गुफा थी, यही बैठकर जहां पर इस समय पंडित जी बैठे हुए हैं, यहां बैठकर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक साधना की थी, ध्यान किया था। विवेकानंद को ध्यान से उठाने वाली वो आवाज किसकी थी ये कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि स्वामी विवेकानंद को मां जगदम्बा ने ध्यान से उठने की आज्ञा दी। तो कोई कहता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को ये राह दिखाई। किसी का दावा है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा ने कहा था उत्तिष्ठ भारत यानी जागो भारत। कि 1890 में स्वामी विवेकानंद जी 2-3 दिन यहाँ पर आकर के ध्यान किया उन्होंने जी। इतना हमको मालूम है। उस दौरान ये गुफा थी, जैसा कि उस समय मंदिर नहीं था, जो खाली ये गुफा थी और गुफा के अंदर भी उन्होंने बैठ करके यहाँ पर ध्यान किया। हम आपको ये जगह दिखाना चाहेंगे, ये गुफा दिखाना चाहेंगे। आकृति माँ वहां पर विराजमान है, जिस आकृति में ये गुफा है, और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ बैठकर जहां पर न्यूज नेशन इस वक्त मौजूद है, यहां पर तपस्या की थी। और यहां पर 3 दिन ध्यान करने के बाद आप याद करिए, यहां से फिर वो गए थे, जब पाताल देवी गए वहां उन्हें एक दुखद समाचार मिला उनकी बहन का, और उसके बाद उनके मन में ये बात जाग गई कि उन्हें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है, और उसके लिए वो निकल पड़े। और उसके बाद 1893 में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था शिकागो में, और माना जाता है माँ कात्यायनी यही वो शक्ति थी जिन्होंने प्रेरणा दी थी कि ध्यान से ज्यादा देश को स्वामी विवेकानंद की जरूरत है। तब स्वामी विवेकानंद नहीं थे, तब नरेंद्र थे, लेकिन उठ नरेंद्र की आवाज ने उन्हें प्रेरित किया और वो निकल पड़े अपने आगे के कार्य के लिए। 1970 से 1980 की शुरुआत तक यह मंदिर डच सन्यासियों का घर हुआ करता था। हवा बाग की सुरंग में घाटी में बैठकर विदेशी भारतीय आध्यात्म की शक्ति को महसूस किया करते थे। बचपन से उनका बहुत पुल था हिमालय के लिए, वो बोलते थे एज अ चाइल्ड आल्सो ही वाज ड्रॉन टू हिमालय, तो पहले ही से ही था। और ये तो कोई भी आध्यात्मिक साधक वो कोई भी ड्रॉ होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतना स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है जी। सो यही रीजन था मेनली। कसार देवी की कहानी क्या है कि कसार देवी में उन्होंने तय किया था कि वो यहीं बैठ के अब चिंतन मनन करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा फिर क्या हुआ कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा? और कहते तो यहाँ पहले जब वो आए थे उसके बाद वो शिकागो गए। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी जब कासार देवी में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि वो कासार देवी का जो गुफा है उसके अंदर में अब वो ध्यान में सदा के लिए निमग्न रहेंगे और कर्म क्षेत्र के अंदर में और प्रविष्ट नहीं होंगे। लेकिन 1, 2 और 3 दिन लगातार ध्यान में निमग्न रहने के बाद में 3रे दिन में वो ऐसा महसूस करते हैं कि कोई पावर अंदर से उनको धक्का दे रही है और कह रही कि उठो 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 कार्य के लिए, मेरे कार्य के लिए यह उठ पड़ो। तब स्वामी जी 4th दिन में 4th डे में स्वामी जी उठ पड़े। मैं सारा भारत वर्ष घूम कर देखूंगा, मैं पूरे विश्व में भारत की महिमा प्रचार करूंगा। इसे उत्तराखंड का सौभाग्य कहें या फिर इस देव भूमि की आध्यात्मिक शक्ति, स्वामी विवेकानंद ने अपने सबसे प्रिय शिष्य सिस्टर निवेदिता को यहीं दीक्षा दी। सिस्टर निवेदिता के बचपन का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। वो एक अंग्रेज आयरिश परिवार में जन्मी थी,
लेकिन सिस्टर निवेदिता की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब 1895 में लंदन में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ समझ गई कि भारत ही उसकी कर्म भूमि है और 3 साल बाद वो भारत आ गई। स्वामी विवेकानंद ने 25 मार्च 1898 को निवेदिता को दीक्षा दी और विवेकानंद के पास निवेदिता को कहने के लिए सिर्फ एक वाक्य था, जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। इसके बाद सिस्टर निवेदिता भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल। अल्मोड़ा की इन्हीं घाटियों में सिस्टर निवेदिता का एक आश्रम है जहां गरीब की सेवा और लड़कियों की शिक्षा पर बहुत काम हुआ है और वो काम आज भी हो रहा है। मैंने देखा डिस्पेंसरी यहाँ पर है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको सेल्फ एम्पावर्ड करने के लिए आप काम कर रहे हैं, किस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली ये सेंटर तो इनिशियली शुरू हुआ था रिट्रीट सेंटर फॉर स्पिरिचुअल साधना के लिए, किंतु बाद में हम यहाँ रहते हैं आसपास गांव वालों की अवस्था देखी, बहुत ही मतलब मिजरेबल कंडीशन है यहाँ की महिलाओं की औरतों की, तो फिर मैंने हमें बाध्य होकर काम करना मैंने करना ही है, जो जिनके लिए हम रह रहे हैं उनके उत्थान के लिए तो कुछ करना ही है ना। तो फिर हमने धीरे धीरे एक्टिविटीज शुरू करी इनको, एक तो आपने देखा है इनको आत्मनिर्भर करने के लिए नीटिंग क्लासेस इनको सिखाया जाता है, पूरा मटेरियल देते हैं, रूल्स वगैरह सब सीख जाने के बाद इनको जितना आउटपुट होता है इनका उसका पेमेंट इमीडिएटली कर देते हैं हम लोग। अल्मोड़ा में ध्यान लगाने के बाद स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और शिकागो में सनातन ज्ञान का परचम लहराने के बाद से वो 2 बार इसी देवभूमि में वापस आए। इस जगह का विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद जब आए थे तो उन्होंने यहाँ बैठ के अपने शिष्यों के साथ मेडिटेशन किया था। ये जो पेड़ है देवदार का वृक्ष है, इससे एक कहानी जुड़ी है स्वामी विवेकानंद की। और ये जो मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिस्टर निवेदिता की मूर्ति है जिनको नाम उन्होंने दिए था निवेदिता करके। इस घर के जो लोग हैं उनमें से एक मेहमान मेरे साथ है जो ये बताएंगे इस पेड़ के बारे में, क्या है स्वामी विवेकानंद और इस पेड़ का और सिस्टर निवेदिता का ताल्लुक? ये पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को नाम दिया था, उनका पहले नाम था मिस मार्गरेट नोवेल और फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते हुए ये नाम दिया था सिस्टर निवेदिता। तो उसके बाद इस पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोवेल को नाम दिया सिस्टर निवेदिता। आज भी उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, ये सिस्टर निवेदिता की मूर्ति है जो यहाँ पर स्थापित की गई है अल्मोड़ा में, जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया था। अब हम आपको लिए चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने शिष्यों के साथ अपने भक्तों के साथ मेडिटेशन करते थे। और अब आप देखिए कि उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर मेडिटेशन किया था, योग साधना की थी और यहां पर आज भी वो जगह मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये वो कमरा है जिसके भीतर बैठकर स्वामी विवेकानंद जो है अपने शिष्यों के साथ मेडिटेशन करते थे। कुल मिलाकर 4 बार वो यहां पर आए, कोलकाता से सीधे वो यहां पर आए। एक पूरी कहानी है स्वामी विवेकानंद की उत्तराखंड आने की भी और यहां से उनके आध्यात्मिक लगाव की भी, यहां से जो उन्हें अध्यात्म का बोध हुआ वो सारी जानकारियां यहां पर शिष्यों के साथ बैठते थे। आपको क्या पता लगा, आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या आपको बताया जगह के बारे में? वो जब यहाँ पे आते थे अपने शिष्यों के साथ मेडिटेशन करते थे और क्या कहते हैं वहाँ पे उनका एक बेड है जो जिसमें वो बैठ के खुद मेडिटेशन करते थे और इजी चेयर और मिरर और जो लैंप हैं जो सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को गिफ्ट किए थे वो लैंप भी रखे हुए हैं और ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं। तो आपने देखा कि यहाँ इस कमरे पे हालांकि अभी इस पे ताला लगा हुआ है लेकिन इस कमरे के भीतर वो तमाम यादें स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता से जुड़ी हुई हैं जो इस कमरे में मौजूद हैं। लेकिन अगर इस पूरे घर को आप देखें, आज भी इसको उस पुराने संरक्षण के तौर पे रखा गया है जो इस बात की याद दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऋषि मुनियों साधु संन्यासियों की परंपरा का ध्वज थामने वाले इस उत्तराखंड के कण कण में शिव का वास है और शायद ये हिमालय की ही ताकत है जिसने विवेकानंद को स्वामी बना दिया, सनातन धर्म का प्रहरी बना दिया। दुनिया में आज जिनके लाखों अनुयायी हैं, जिनके अनुयायियों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं,
एक नरेंद्र जिन्होंने महिला एम्पावरमेंट की बात की, एक नरेंद्र जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय में, उन्होंने भी कहा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको लगता है ये मिशन भी महिलाओं को एम्पावर्ड करेगा? ऑफ कोर्स और एक्चुअली ही हैज बीन इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी ओनली। नरेंद्र मोदी जी जो भी बोलते हैं सब स्वामी जी के ही विचारों को कर रहे हैं और वो उन सबको ही कार्यान्वित कर रहे हैं एक्चुअली। तो आपको लग रहा है कि ये नरेंद्र भी कुछ बदलाव कर पाएंगे खासकर महिलाओं के लिए? ऑफ कोर्स कर रहे हैं और हो भी रहा है कितना कुछ। माताजी आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है ये नरेंद्र कुछ, उन नरेंद्र ने जो किया आप लोग आज इस मिशन पे लगे हुए हैं, ये नरेंद्र भी कुछ करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन्हीं का ही एक रूप है ये नरेंद्र। हाँ जो हैं ये उन्हीं का ही अवतार हैं दूसरे मॉडर्न। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने हर सार्वजनिक भाषणों में विवेकानंद जी का जरूर जिक्र करते हैं। हाँ, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो जो भी कदम उठा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो वहां पर सफलता उनका अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ आप वैश्विक तौर पे भी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को प्रोजेक्ट किया है, इट सीम्स लाइक अनदर विवेकानंद, बिकॉज इतना जैसे बोल रहे ना, इतना ज्यादा जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक स्वामी जी की तरह, स्वामी जी ने जैसे किया था पूरा एकदम हलचल मचा के रख दी थी। अब ये अमेरिका गए थे मोदी जी, उसके बाद जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा तो कभी नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर के लिए तो इतना उत्साह किसी के अंदर नहीं होता, किंतु उनके लिए है तो कुछ तो शक्ति है उसके अंदर। और कहते हैं उन्होंने भी हिमालय में तपस्या की। हाँ। एक्चुअली उन्होंने इनिशियल डेज अपने रामकृष्ण मिशन राजकोट में ही गुजारे थे। स्वामी विवेकानंद के विचार उत्तराखंड के इस हिमालय की तरह ही अटल है, यहाँ की आबो हवा की तरह ही शाश्वत है। जो विचार हवाओं में घुले हैं, फिजाओं में रमे हुए हैं, ये वादियां युगो युगों से संसार को प्रेम और भाईचारे का राह दिखाती रही है, दिखाती रहेगी। 50 वर्षों तक मातृभूमि की पूजा और करोड़ों गरीब देशवासियों की सेवा करनी है।